Namaste, you are most welcome to the Analytica Ayurveda. Or we have completed drug rules 1945, all parts related with the ASU drugs, and also we have completed Drug and Cosmetic Act, chapter 4A, which is related with the ASU drugs. This took uh, approximately seven months. Every Monday, 7 months, we expended for the interaction to the Drug and Cosmetic Act, Chapter 4A, as well as the Drug Rules 1945, parts related with the ASU drugs. Now, the Monday, rule the regulation. And in this Monday, I am taking something different. And I shall go through the this NCISM, Gadget Notifications. I think uh, at least. Uh, 7-8 Mondays specifically this is the one of the 28th December Gazette, but the I shall start to the 28th December Gazette that will take 7-8 Mondays and that is really very important about the ethics etiquettes and the powers of the practitioners. But today I am talking about the Gazette of the NCISM 28th December 2023.

तो सिस्टमेटिक चलने में इसको तो मैं काफ़ी पूरा कवर कर चुका हूँ लेकिन द फोर्थ इज़ द नेशनल एग्जिट टेस्ट फिफ्थ इज द हियर जस्ट मिनट जस्ट मिनट नहीं सिक्स इज द नेशनल एग्ज़िट टेस्ट सेवेंथ इज द नेशनल ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट एंड Eighth is the National Teacher Eligibility Test. I have discussed with you all in the live sections of my channel, of your channel. And today I am going to discuss with you the clause number nine, that is the National Eligibility Come Interest Test Pre Ayurveda. Uh, the National Eligibility Come Interest Test for the Pre Ayurveda Entry Test for Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery having the course structure 2 plus 4.5 plus 1, 2 year for the pre Ayurveda, 4 and half year for the bachelor of Ayurveda medicine and surgery and 1 year of the compulsory rotatory internship. That is the completely how much time it is the 7.5, it is 7.5 year course, fine. Toh, इसमें शुरुआत कहाँ से करें ये तो 20 दिसंबर का गजट आया इसके पहले इसके पहले इसका जो टोटल इसी के लिए जो गज़ट था वो भी ऐसे आइसएम दे चुकी थी और उस पर भी डिस्कशन में ये बात लगातार चल रही थी कि ये कोर्स कैसा होगा किस तरीके से होगा और अच्छा होगा या किस तरीके का प्रभाव डालेगा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर अभी हमने देखा कि सी सी आर एस के ट्विटर हैंडल पर ये कोर्स चार दिन पहले दिखाई दिया मुझे इसके बारे में कुछ चीज़ें वहाँ पर की जा रही थी तो हम इसको प्लान कर रहे थे लगातार कि इस पर आपसे बात करेंगे उसी सीरीज़ में जैसे नेशनल एग्जिट टेस्ट वाली सीरीज हो रही थी लेकिन इस बीच इतने एक्सप्लेनेशंस आते जा रहे थे नेशनल एग्जिट टेस्ट वाले कि उसने कमेंट्स बच्चों के आ रहे थे कि उसी में सारा समय चला गया लेकिन अब हम आज इस मंडे से एन को लेंगे Uh, इसके सारे गजट नोटिफिकेशन को ऑन एवरी मंडे बिकॉज वी हैव कम्प्लीटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फोर्टी एंड ड्रग रूल्स नाइनटीन फोर्टी फाइव ये शेड्यूल्स आर देयर बट इट विल बी इन द लेटर पार्ट और ये चैनल है तो अब ये तो वर्षों वर्षों का है ये तो नहीं कि अब इसको छः महीने में कोर्स बंद हो गया ये तो हमेशा चलता रहेगा जब मौका रहेगा चलेगा चलो तो बात इसकी करते हैं इसके पहले एक भूमिका बनाते हैं वो भूमिका ये है कि संस्कृत ज्ञान की कितनी आवश्यकता है आय सफल आयुर्वेदी चिकित्सक बनने के लिए पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न संस्कृत भाषा कितनी महत्वपूर्ण है आयुर्वेदीय ग्रंथों को समझने समझाने और शोध करने के लिए तीसरी बात क्या संस्कृत या गुरुकुल सिस्टम से पढ़ करके अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक बना जा सकता है चौथी बात क्या आयुर्वेद की पूरी शिक्षण परंपरा में ही खाली संस्कृत का डोमिनेशन कर दिया जाए या किसी अन्य न्यू टीचिंग टेक्नोलॉजी का प्रवेश करके और कोर्स फ्रेम किया जाए अब ये बहस आज की नहीं है ये बहस सैकड़ों वर्ष पुरानी है और दो विचारधाराएं लगातार लगातार भारत में चल रही हैं एक ग्रुप कहता है कि हमने इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोडक्ट करके यानी कि सी और आज की के एन के प्रोडक्ट्स 1970 के बाद जो है जब विश्वविद्यालय बी का कोर्स कंडक्ट करने लगे उनके प्रोडक्ट्स और गुरुकुल परंपरा से पैदा हुए प्रोडक्ट्स जिनको कि जनरली आप सब लोग उस समय अलग अलग डिग्री चला करती थी उनका विशेषण होते थे भिस्गाचार्य कविराजचार्य और एक वैद्य की बात कह ली जाए तो ये आता है कि इन दोनों में से सक्षम आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन बना जो गुरु के पास रह करके पढ़ाई किया गुरुकुल परंपरा में अभी हमारे पास राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ इस काम को कर रही है कुछ हद तक लेकिन एकदम शुरू से ही जो गुरु परंपरा में रहा वो अच्छा सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक है या जिसने कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में और वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज में अंग्रेजी में मराठी में हिंदी में कन्नड़ में गुजराती में तमाम पाठ्य पुस्तकों को पढ़ के जिन्होंने बंगला में आ, असमिया में जिनने ज्ञान प्राप्त किया बी एम एस की डिग्री ली वो अच्छा चिकित्सक है तो पहली बात ये आती है कि भाषा का कितना महत्व है तो कुल मिला के जो मेरी समझ में आया अपने 25 वर्षों के अध्ययन अध्यापन के अनुभव में 23 साल ऐसे हो गए दो साल सीनियर रेजिडेंसी के सवा साल डेढ़ साल तो 25 साल में मेरे ये समझ में आया कि संस्कृत भाषा का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है यदि आपको आयुर्वेद के मूल ग्रंथों को समझना है तो लेकिन सफल आयुर्वेदीय चिकित्सक बनने के लिए निष्णार्थ संस्कृत भाषा का बिल्कुल व्याकरणाचार्य होने की अनिवार्यता नहीं है ये मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि ये मेरी समझ में आता है हो सकता है कि मैं अपनी इन दोनों ही बातों में पूरी तरह से गलत हूं लेकिन आप विचार करें इस पर तो संस्कृत भाषा अनिवार्य है समझने के लिए चिकित्सा सूत्रों को समझने के लिए और एक उदाहरण याद आ रहा है लेकिन उसको मैं दूंगा नहीं यहाँ पर क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है हमको 20 मिनट में ही वीडियो कंप्लीट करना होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी आयुर्वेद चौराहे पर है कि दोराहे पर है कि तिराहे पर है पहे? मैं 2002 से दिल्ली की मीटिंग्स में जाता हूँ 2002 हज़ार 2001 दो, दो, क्या? दो से ही जाता हूँ इनफैक्ट यस 2000 जो मैंने ज्वाइन किया जामनगर तीन तीन जनवरी 2000 को जामनगर मैं एक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था मुश्किल से मुझे पाँच छः महीने लगे थे क्योंकि ऊपर श्रृंखला थोड़ी बहुत मजबूत नहीं थी अब पद खाली थे मुझे मिनट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में आने जाने का अवसर मिलने लगा और फिर ईश्वर की दया से मैंने परिश्रम किया और सीनियर्स ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने उनकी शुभकामनाओं से मैं काम करता रहा और आयुष से करीबन मैंने 20 वर्ष की पूरी पारी खेली 2000 से 2020 से इक्कीस तक की पूरी तो इस बीच बहुत सारे विद्वानों से पूरे भारत भर के मुलाकात हुई बहुत सारे विचारधाराओं को सुना बहुत सारे व्यक्तियों से उनके विभिन्न विभिन्न तरीके के वाद विवाद वितंडा सब कुछ अनुभव किया मैंने काली गाय के दूध से लाए लाल गाय के दूध तक और कोई भी चीज़ होती थी कितनी किस किस तरीके की बहस हुआ करती थी सबसे रूबरू हुआ मैं प्रत्यक्ष जिसको कहा जाए चलिए वहाँ पर ये शब्द मैं तभी भी सुना करता था बहुत उस समय के स्टाल वार्ड्स 2002 के जो अभी इस समय दुनिया में नहीं है वो लोग भी कहते थे कि आयुर्वेदा इज़ एट क्रॉस रोड 2023 में भी वही कहा जा रहा है कि आयुर्वेदा इज़ एट क्रॉस रोड अरे कितने समय तक आयुर्वेद को चौराहे पर मान के आप चलेंगे कि आयुर्वेद की दशा दिशा निर्धारित नहीं हो रही है अरे कब तक आयुर्वेद की दशा दिशा निर्धारित नहीं होगी उस समय जब छह महीना पुराना लेक्चरर या पीजी का विद्यार्थी सुनता था मैं आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड आज मैं प्रोफेसर हो करके भी कर यही सुनता आ रहा हूं कि आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड ये कब सीधी रोड बनेगी अब इससे ज्यादा क्रॉस रोड करने की जरूरत नहीं है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स हमेशा अब ये तो प्रश्न चिन्ह हम सभी लोगों की योग्यता पर लग जा रहा है कि हम लोग अभी भी क्रॉस रोड ही क्यों कह रहे हैं और वो जिनसे मैंने सुना था वो पिछले तीस साल से क्रॉस रोड कर रहे थे हम बीस साल से क्रॉस रोड कर रहे हैं पूरा पांच द, पांच दशक यानी कि पचास साल तो हो गया कि आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ अभी किसी ने कमेंट किया कि आयुर्वेद में भव्यता तो बहुत बढ़ गई लेकिन दिव्यता नहीं हुई चलिए अब इसी कड़ी में एक कोर्स ज्ञापित हुआ है 20 दिसंबर को और उस कोर्स का कहा गया है कि ये प्री आयुर्वेदा कोर्स है और यह साढ़े सात वर्ष का होगा दो वर्ष इसमें प्री आयुर्वेदा साढ़े चार वर्ष बी एम एस एक वर्ष रोटेटरी इंटर्नशिप तो प्री आयुर्वेदा में एडमिशन लेने की योग्यता क्या है इंटर नहीं हाई स्कूल हाई स्कूल पास व्यक्ति इस प्री आयुर्वेदा कोर्स में एडमिशन ले सकने में सक्षम है देखिए क्या कहते हैं देखिए मैं पढ़ता हूँ एक कैंडिडेट पास टेंथ स्टैंडर्ड फ्रॉम स्टेट बोर्ड और द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनी अदर अप्रूव बोर्ड कंडक्टिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन टेन प्लस टू पैटर्न सेल बी कंजिडर्ड एलिजिबल फॉर अपेयरिंग नेशनल एलिजिबलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट प्री आयुर्वेदा ठीक सी बी एस ई बोर्ड से स्टेट बोर्ड से गुजरात बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड सारे स्टेट बोर्ड सी बी एस ई बोर्ड आई सी एस ई से अगर आपने टेंथ पास किया है या किसी भी अप्रूव्ड बोर्ड जो कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है वहाँ से पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नंबर तीन यही सबसे शानदार है जो इसको ध्यान से सुनिए कैंडिडेट पास फ्रॉम स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड आर एनी अदर अप्रूव्ड संस्कृत बोर्ड आई बात संस्कृत बोर्ड दैट आर इक्वल टू द टेंथ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड आर सेकेंडरी एजुकेशन और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ Secondary एजुकेशन और एनी अदर अप्रूव बोर्ड सेल बी कंजिडर्ड एलिजिबिल फॉर द अपीयरिंग नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट प्री आयुर्वेदा प्री आयुर्वेदा कोर्स में एडमिशन ये सी बी एस सी आई सी एस सी और स्टेट बोर्ड के टेंथ पास के अलावा जो संस्कृत बोर्ड चलते हैं प्रथमा मध्यमा द्वितीय ये शास्त्री आचार्य वाला जो एक पाठ्यक्रम चलता है उन संस्कृत बोर्ड्स के द्वारा जो अगर टेंथ स्टैंडर्ड की में पास है वो इस टेस्ट को दे सकता है अब ये टेस्ट होगा कब ऑर्डिरी द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट सेल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे और जून एवरी ईयर ठीक है करिए द टेस्ट सेल बी इन द पैटर्न ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन और ऑनलाइन और ऑफलाइन एज द केस में भी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से करिए कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एनसीम जो करेगा कैंडिडेट सेल ऑप्टेन मिनिमम ऑफ द फिफ्टी परसेंट मार्क्स फॉर द बिकम एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू प्री आयुर्वेदा बिल्कुल सही द प्री आयुर्वेदा काउंसलिंग कमेटी बिल्कुल जैसे कि सब पी जी और यू जी के लिए बन रही है काउंसलिंग एंड सेल बी अलॉटेड एज पर द गाइडलाइंस इज शूड बाई द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी गुड द मेथड एंड द मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ द प्री आयुर्वेदा इंटरेस्ट टेस्ट पब्लिकेशन और रिजल्ट काउंसलिंग सब ठीक है गाइडेंस इशूड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द एडमिशन टू प्री आयुर्वेदा सेल बी ऑन ऑल इंडिया कॉमन मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया कॉमन मेरिट लिस्ट थ्रू काउंसलिंग कंडक्टेड बाय द प्री आयुर्वेदा काउंसलिंग कमेटी एंड सच मेरिट लिस्ट सेल बी एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन ओनली टेक्निकल कमेटी फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट प्री आयोज द टेस्ट में भी द कंट्रोल ऑफ एग्जाम चेयरपर्सन नॉमिनी मेंबर में टर्म ऑफ रिफरेंस देख लीजिए द टर्म ऑफ द कमेटी सेल बी ऑफ द टू सक्सेसिव एग्जामिनेशन ठीक है द कमेटी सैल मीट एज यू रिक्वायर ठीक है द कमीशन कैन को ऑप्ट एनी एक्सपर्ट और ये कमेटी का काम होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे एक्सपर्ट मॉडरेट करे क्वेश्चन पेपर को सब करे द कमेटी सेल इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ठीक है ये आपका बजट गजट हो गया बजट के दौर में गजट हो गया गजट ये कहता है कि ट्वेंटी 20 दिसंबर 2023 का क्लास नंबर नाइन की प्री आयुर्वेदा टेस्ट कमीशन एन सी आई करेगी अब यक्ष प्रश्न इन प्री आयुर्वेदा वाले कॉलेजेस कौन से होंगे क्या जो एग्जिस्टिंग आयुर्वेद कॉलेजेस हैं जिनमें टेन प्लस टू के बाद इंटर नीट करने के बाद नीट यूजी के बाद जो लोग बीएमएस करने आ रहे हैं उन्हीं कॉलेजेस में या इनके लिए कोई और कॉलेज खुलेंगे जहाँ पर कि प्री आयुर्वेदा का पाठ्यक्रम होगा जहाँ संस्कृत वाले भी लोग होंगे साइंस वाले लोग होंगे ये दो साल का पाठ्यक्रम भी कुछ होगा ही प्री आयुर्वेदा का आप पुराने ज़माने में जाइए तो मतलब आज के 40 साल 30 साल पहले तो प्री आयुर्वेदा का कोर्स हुआ करता था बहुत सारे लोगों के बीच में जब ये चर्चा हुई अभी हम पटना गए हुए थे तो यहाँ इस कोर्स की बातें चलें क्योंकि ये तो गजट में आ ही चुका है तो वहाँ बहुत सारे लोग जब इसमें रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं तो ये कह रहे थे कि नहीं हमने प्री आयुर्वेदा पढ़ा है हमने प्री आयुर्वेदा पढ़ा है एक साल का कोर्स हुआ करता था उसके बाद फिर हम लोगों का बी में एडमिशन होता था तो क्या हम उसी जगह पर वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था फिर अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी तो कहा यह जा रहा है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि संस्कृत ज्ञान नहीं है जो इस समय बी हम लोग कर रहे हैं या जो भी बालक आ रहे हैं उनका संस्कृत के प्रति ओरिएंटेशन नहीं है इसलिए अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक बनाने के लिए हमें प्री आयुर्वेदा किए हुए ग्रेजुएट्स जो बी एम के आएंगे जो कि संस्कृत माध्यम को भी समझेंगे वो शायद इनसे अच्छे सफल चिकित्सक बने अब भाई सरकार है सरकार की नीतियाँ हैं तो चल रहा है ये सब कुछ और मेरे समझ में नहीं आता है कि इस फाइव फोर पॉइंट फाइव और वन यानी कि साढ़े पाँच साल का जो कोर्स बी एम एस का चल रहा है उसमें अगर संस्कृत भाषा पर और ध्यान दे करके संस्कृत बदतु प्रोग्राम चल ही रहा है तो उसको करने के साथ ही अगर सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं निकल रहे हैं तो प्री आयुर्वेदा काम कर देने से सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक निकल जाएंगे और तो सुनिए और अभी दो दिन पहले रिपोर्ट आई है दो दिन पहले आज क्या है ये ट्वेल्थ फरवरी है और टेंथ फरवरी को रिपोर्ट आई है जो कि इकोनॉमिक हेल्थ इश्यूज़ में आया है इकोनॉमिक टाइम्स के कि पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट हेल्थ सिस्टम्स ऑफ द कंट्री पूरा आलेख ही छपा हुआ है उस पर कभी मैं किसी और दिन किसी वीडियो पर बात करूंगा अभी आज मैं बीस मिनट में सिर्फ इसके इंपॉर्टेंस को उठा रहा हूँ वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं आपको आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन होम्योपैथ साइंस इनको इंटीग्रेट करना है एक वो रिकमेंडेशन आ रहा है और एक और बड़ी आ, मतलब कि धरातल पे तो अभी सामने नहीं आया लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी में आया है कि एक और कोर्स की परिकल्पना की जा रही है जो 7.5 पॉइंट फाइव का ही होगा जैसे ये प्री आयुर्वेदा है 7.5 पॉइंट फाइव का फोर पॉइंट फाइव वन फाइव पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव हाँ ये सेवन पॉइंट फाइव का प्री आयुर्वेदा है जिसमें कि टेंथ में एडमिशन है एक और कोर्स सेवन पॉइंट फाइव का कहीं प्लान हो रहा है उस पर मंथन चल रहा है कि उसका जो है आ, इंट्रेंस टेस्ट ट्वेल्थ पास बच्चे देंगे और उनको ट्वेल्थ करने के बाद भी सेवन होगा जैसे कि अब थोड़ा सा इसको समझाने के लिए जैसे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्यूअल डिग्री कोर्स चलता है या लॉ में भी बहुत जगह ड्यूअल डिग्री कोर्स चलता है तो ड्यूअल डिग्री कोर्स में ये होता है कि आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आपको बैचलर की भी डिग्री और मास्टर की भी डिग्री दोनों एक साथ दी जाती है जैसे कि आपको बी और एम एक साथ मिलता है जैसे शिवपुर कलकत्ता में आपने कहीं एडमिशन लिया तो आपको बी भी देंगे एम भी देंगे आप बिट्स पिलानी में पढ़ रहे हैं तो आपको वो बी -E भी देंगे और एक किसी साइंस की स्ट्रीम में एमएससी भी देंगे तो ड्यूअल डिग्री कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं एन में भी वैसे ही ड्यूअल डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ भी ये कल्पना सेवन पॉइंट फाइव की आई है जहाँ पर ट्वेल्थ क्लास पास बच्चे एडमिशन लेंगे और ड्यूअल डिग्री और ये ड्यूअल डिग्री क्या होगी एम बी बी एस बी एम एस हाँ जी हाँ सही सुन रहे हैं आप और उनका रजिस्ट्रेशन शायद दोनों जगहों पर हो एनसीएस में भी और एन में भी एक उस कोर्स की परिकल्पना चल रही है इंटीग्रेशन पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिकमेंड किया है वो 7.5 एडमिशन क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ ये प्री आयुर्वेद ये भी 7.5 एडमिशन क्वालिफिकेशन टेंथ ठीक है तो हम बहुत सारा प्रयोग तो किए जा रहे हैं और इन प्रयोगों के उत्तर क्या आना है कैसे आना है एक अभी एक सज्जन ने कमेंट किया सार्वजनिक कमेंट्स सार्वजनिक जीवन में अगर आप कहीं यूट्यूब पर हैं या सोशल मीडिया में हैं तो बहुत सहनशील होना पड़ता है या ये मुझे अनुभव पिछले छः महीने से बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स लोग लिखते हैं कि बड़ा कई अच्छा। कई तरीके से भावनाएँ आती हैं मस्तिष्क में तो उसमें अभी किसी ने कल ही कहा और मैंने पढ़ा उसको कि अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट लेना है तो बी एम एस में अट्ठारह अट्ठारह एग्जाम क्यों लिए जा रहे हैं अगर उन अट्ठारह एग्जाम से आप इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं हर प्रोफेशनल कोर्स के सब्जेक्ट्स में तो एग्ज़िट टेस्ट में आप क्या इवेलुएट कर लेंगे भाई विचारधारा है जो कह रहा है सुनना ही पड़ेगा और सुनना चाहिए भी हर एक विचार को सुनना चाहिए मगर अभी नेशनल एग्ज़िट टेस्ट पर उधर उधर मतलब एनएमसी एमबीबीएस वालों के लिए माननीय मंत्री महोदय ने दिक में जारी किया एन को एडवाइजरी कि आप एक कमेटी बनाइए क्योंकि उन लोगों में भी काफ़ी असंतोष था एम वर्ग में भी आई ने भी इसको थ्रेट टू द हेल्थ एजुकेशन कह दिया कमेटी बनी कमेटी में विचार रखने की तिथि सात फरवरी थी फिर डिमांड पर वो तिथि दस दिन और बढ़ा दी गई अब सेवनटीन्थ फरवरी तक सारे स्टेक होल्डर्स नेशनल एग्जिट टेस्ट एम कोर्स का बता सकते हैं कि कैसे हो कब, कब हो किस तरह से हो एनसीएसएम भी उसी पर जा रही है नेशनल एग्जिट टेस्ट पर जा रही है बहुत अच्छी बात एन नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और अच्छी बात और अब ये जो प्री आयुर्वेद है जिसको कि अभी सी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लॉन्च किया और पहले से भी था इस पर भी विचार करना है और मुझे लगता है कि गहन विचार करना है इस पर और उससे हम कब उभरेंगे अमृतकाल में उभर जाएंगे ना आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड कि, कि काल भी निकल जाएगा और आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड ही रहेगा पिछले पचास साल तो हो गया ये होते हुए कि आयुर्वेदा इज एट क्रॉस रोड कब आयुर्वेद को दिशा दिशा आएगी उम्मीद करता हूँ हमारे रिटायरमेंट के पहले ही आ जाएगी इससे ज़्यादा क्या बोलूँ और मेरे रिटायरमेंट में अभी आठ साल हैं एट ईयर तो अजीब लगता है दुख भी होता है चिंतन मनन करने की इच्छा भी होती है कि क्या हम लोग क्यों नहीं सारे तरफ के लोग एक मत हो पाते हैं लेकिन एक मत होना मुश्किल है आचार्य संभाषा परिषद हम लोगों के संहिता काल में भी होती थी लेकिन तब लोग एक मत हो जाया करते थे अभी लोग एक मत नहीं होते हैं सब अपने अपने श्रेष्ठता में हैं कि नहीं गुरु परंपरा वाले वैद्य बहुत अच्छे हैं लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इंटीग्रेशन पर चल रहे हैं और मैदानता और कोचिंग और अमृता में और ये इंटीग्रेटेड ऑंकोलॉजी भी बहुत अच्छी है लोग कह रहे हैं कि नहीं ये जो बी एम निकल रहे हैं तमाम संस्थाओं से मैं किसी संस्था का नाम क्यों लूँ एक से एक अच्छी संस्थाएं और एक से एक अच्छे बी प्रोडक्ट निकाल रही हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं अब ये सब होते हुए भी फिर गुरु परंपरा में जाना फिर इंस्टीट्यूशनल परंपरा में जाना फिर नए नए ड्यूरेशन कोर्स करना जैसे कि वही वह हो गया बी एस साल की थी फिर बी एस साल की हुई अब बी एस साल की हो गई है अब इसमें फिर ये है कि जब ये चार साल की हो गई है तो इसमें आप एक साल पर छोड़ेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा दो साल पर एग्जिट करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा तीन साल पर एग्जिट करेंगे तो यार अब ये नई नई शिक्षण पद्धतियाँ हैं जिसमें कि ये हो रहा है कि अगर ड्रॉप आउट्स हैं इस चार साल के कोर्स में ऐसा है कि अगर कोई भी किसी भी कारण से एक साल में छोड़ दिया उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा दो साल में छोड़ दिया डिप्लोमा मिलेगा डिग्री मिलेगी चार साल के बाद तो ये सारी चीज़ें अच्छा है संकल्पित हैं हम लोग विकसित भारत के लिए आयुर्वेद में भी प्रयोग हो रहे हैं लेकिन हर प्रयोग अच्छा परिणाम दे या आवश्यक नहीं है या अनिवार्य नहीं है कपिल सिब्बल को मैं ज़रूर कोट करूँगा उन्होंने जेई में ये नियम बनाया उस समय कि जो इंटरमीडिएट के पास मार्क्स पास हो रहे हैं बच्चों के वो मेरिट में जुड़ेंगे जेई मेन जेई के एडवांस में हुआ क्या इंटरमीडिएट के आधार पर जब मेरिट आगे गई तो जा करके पूरा का पूरा फर्स्ट बैच ही फेल होने लगा एन में और बाकी संस्थाओं में क्यों क्योंकि इंटर के जो मार्क्स आने की जो क्राइटेरिया थी भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में वो क्राइटेरिया अलग अलग तरीके की थी जिस पर बात करने की ज़रूरत नहीं मेरिट से एडमिशन तो मिल गया बच्चों को एनआईटी में तो चले गए भले जेई मेन में कम नंबर आया लेकिन जब इंटर जोड़ा गया लेकिन जाके वहाँ पर फेल हुए लोग तीन साल के बाद वो पॉलिसी कांग्रेस की ध्वस्त हुई हटी क्योंकि एन चरमरा गई आई आई चरमरा गईं फिर वैसे ही प्रयोग क्यों हुए जर हो रहे हैं आखिर ऐसा क्या है एक प्रश्न यही है कि ये प्री आयुर्वेद 7.5 पॉइंट ईयर वालों की पढ़ाई कहाँ होगी किन कॉलेजेस में होगी और जहाँ तक मुझे याद आता है वो जो गज़ट लिखा हुआ है याद नहीं आता कन्फर्म बोल रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि ये जो बैचेज चलेंगे एग्जिस्टिंग आयुर्वेदिक कॉलेजेज में नहीं चलेंगे अब जब ये एग्जिस्टिंग आयुर्वेदिक कॉलेजेस में नहीं चलेंगे तो इनके लिए कहाँ कॉलेजेस चलेंगे किधर संस्कृत विश्वविद्यालयों के कैंपस में चलेंगे कौन से गुरुकुल कैंपस लिए जाएंगे चलिए सब कुछ करिए सब करने के लिए आपका स्वागत है मगर एक ही चीज आयुर्वेद शाश्वत और सत्य है इसको बरकरार रखिएगा क्रॉस रोड आयुर्वेद जैट क्रॉस रोड के सिंबल को खत्म करिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद अभिनंदन अगले सोमवार को एनसीआईएसएम की फिर एक गजट पर चर्चा होगी तब तक के लिए नमस्कार